अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शिनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की न्यूज़ इंतहाई अहम है, ख़ासकर यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, क्योंकि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जो यूके में काफ़ी लंबे अरसे से मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं यूके में लीगल होने का, अमनेस्टी के ओपन होने का, तो अब यूके की हुकूमत की तरफ से ऐसे इलीगल इमिग्रेंट को अमनेस्टी के हवाले से जल्द ही गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि यूके में ऑल ओवर तमाम सूरत हाल को देखा जाए और ख़ास तौर पर जो इस वक्त की सिचुएशन है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंशाल्लाह यही उम्मीद पूरी नज़र आ रही है कि यूके की हकूमत इलीगल इमिग्रेंट्स के हक़ में कुछ अच्छा करने के लिए लाजमी तौर पर जाएगी आने वाले दिनों में। क्योंकि सबसे पहले तो अगर देखा जाए, बरतानिया कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे आगे निकल गया। 2,76,00,000 से ज़्यादा बरतानवी शहरियों ने कोरोना की पहली खुराक लगवा ली, जबकि 23,00,000 अफराद कोरोना वैक्सीन की भी दोनों खुराकें ले चुके हैं। और बरतानिया में कोरोना मरीजों की तादाद में तेज़ी से कमी आ रही है, जो कि एक यूके हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहले यूके हुकूमत को कोरोना वायरस की वजह से भी काफ़ी दबाव था और सारा फोकस इस वबा को कंट्रोल करने पर भी था, मगर अब सूरत हाल काफ़ी बेहतरी की तरफ गामजन है। और दूसरी जानिब, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, कुछ दिनों पहले ही यूके के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी अमनेस्टी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी देने के हक में हैं, जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वो ऐसे तमाम इलीगल इमिग्रेंट को जो काफ़ी अरसे से यूके में मौजूद, उनको अमनेस्टी देना चाहते हैं। और मजीद इसी हवाले से पटिशन को भी जारी किया गया है, और वाजिया रहे कि अब तक उस पटिशन पर 42,560 सिग्नेचर्स किए जा चुके हैं और सिर्फ 57,440 सिग्नेचर्स होना बाकी हैं। जब पूरे 1,00,000 हो जाएंगे तो इस पटिशन के तहत अमनेस्टी का मामला फिर पार्लियामेंट में जाएगा और वहां पर मज़ीद इलीगल इमिग्रेंट्स को अमनेस्टी देने के हवाले से फैसला लिया जाएगा। इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स की मदद के लिए, यानी कि उनको अमनेस्टी दिलवाने के लिए, इस पटिशन को लाजमी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर किए जाएँ, ताकि जल्द ही यूके अपनी अमनेस्टी की अनाउंसमेंट करें इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। और वाजिया रहे कि यह पटिशन 14 जुलाई से पहले पहले मुकम्मल लाजमी तौर पर करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट डेट इसकी 14 जुलाई है। इसके अलावा इंग्लैंड की हकूमत इमिग्रेशन से मुतलिक भी सख्त पॉलिसियां अपनाई हुई है, जैसा कि यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल इस जानिब से नई कानून साजी भी कर रही हैं, ताकि मजीद इंग्लिश चैनल को अबूर करने वालों को रोका जा सके। तो ये तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो वाजिया हो जाता है कि वो इसलिए उनको रोकना चाहती हैं, ताकि इलीगल इमिग्रेंट जो कि पहले से ही यूके में मौजूद हैं, उनको लीगल किया जाए, उनके लिए अमनेस्टी खोली जाए। क्योंकि एक बार फिर से यूके वजीर आज़म भी अमनेस्टी से मुतलिक बयान दे चुके हैं। और दूसरी जानिब, जो OBR ने भी यूके हकूमत को ख़बरदार किया है कि पहले ही, यानी कि गुज़श्ता बरस 13,00,000 गैर मुल्की इंग्लैंड को खैरबाद कह चुके हैं, और ब्रेग्जिट की वजह से यूरोपीय शहरियों ने भी वापसी का सफ़र शुरू किया हुआ है। दूसरी तरफ तारकीन की आमद भी बहुत कम हो गई है, जिससे इंग्लैंड की आबादी 2% कम होने का हदसा भी है, और इस वजह से पहले ही यूके की लेबर मार्केट मुतासिर हुई है और टैक्स की वसूली भी कम हो गई है, और यूके को मुल्क में वर्कर्स की शॉर्टेज का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसलिए OBR ने हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अगर उन्होंने इमिग्रेंट के साथ मज़ीद ऐसा सलूक किया तो उन आने वाले दिनों में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये बात भी वाजिया रहे कि पहले ही 13,00,000 से ज़्यादा ही लोग यूके को छोड़ चुके हैं, इसलिए अब ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि यूके हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करे। इसलिए उन्होंने आने वाले चंद दिनों या अगले महीनों में एमनेस्टी को अनाउंस करना ही है। डेट तो कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन यूके हुकूमत ने लाजमी तौर पर इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करना ही है, एमनेस्टी को ओपन करना ही है। इसलिए आप लोग रेडी रहें एमनेस्टी ओपन होने की गुड न्यूज़ सुनने के लिए। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। थैंक यू, खुदा हाफिज़।